सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम आप सभी के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त पीडीएफ लेके आए हैं। इस पीडीएफ को आप पढ़ के बिल्कुल आसानी से अपना नेट कर सकते हैं और जीआरएफ भी बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों इस पीडीएफ में हमने जून 2012 से लेकर जून 2019 तक के ओल्ड पेपर का कलेक्शन किया है और इसमें जो सबसे खास बात है दोस्तों वो ये है कि इसके अंदर हमने टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चन किए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने टीचिंग के जो क्वेश्चन है वो अलग कर रखे हैं, रिसर्च के क्वेश्चन अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है। यानी कि आज तक 2012 से लेकर जून 2019 तक जितने भी टीचिंग के क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, रिसर्च के जो क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इस तरीके से हमने 10 की 10 जो यूनिट है वो हमने अलग अलग बना रखी है। और इस पीडीएफ का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है दोस्तों वो ये है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी जो सेपरेट टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग अलग करके दिए हुए हैं और इन क्वेश्चन को करके आप बिल्कुल आसानी से ये देख सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। और हमारी वीडियो में आपने देखे भी होंगे कि कई क्वेश्चन ऐसे दोस्तों जो हर बार बिल्कुल डिट्टो कॉपी रिपीट होते हैं और उनको बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो इस पीडीएफ को आप करके बिल्कुल आसानी से अपना नेट या जीआरएफ कर सकते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों, इसमें एक और जो खास बात है कि ये जो पीडीएफ है दोस्तों हमारी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगी। यानी कि एक ही पीडीएफ में दोनों लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। जो क्वेश्चन आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नेट के अंदर दोस्तों ऐसा है कि काफ़ी क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो हमें हिंदी में समझ में नहीं आते तो हमें उनको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, और इसी तरीके से काफ़ी इंग्लिश में समझ में नहीं आते तो हमें हिंदी में पढ़ना पड़ता है। और ये दोनों लैंग्वेज हमने इस पीडीएफ में दी है ताकि आप दोस्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और एक चीज़ और दोस्तों, ये जितनी भी 10 यूनिट हैं हमारी, हम धीरे धीरे सभी की वीडियोस बना रहे हैं। अभी तक हमारी 4 यूनिट की वीडियो बन चुकी है और उनमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन ऐसे जो बार बार इस पीडीएफ से रिपीट हो रहे हैं। और जून 2018 का जो पेपर था दोस्तों उसके अंदर करीब 18 क्वेश्चन रिपीट हुए थे और दिसंबर 2018 में भी इस पीडीएफ में से करीब 20 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो ये पीडीएफ दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए मैं आपको इस पीडीएफ को थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये पीडीएफ किस तरह की है। ये देखिए, ये हमारा पहला पेज आ गया। ये है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की है दोस्तों। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जून 2012 से जून 2019 तक क्वेश्चन है और ये हमारा जून 2012 का पेपर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमने हिंदी में क्वेश्चन दे रखे हैं और इसके बाद में देखिए यही क्वेश्चन हमने इंग्लिश में भी यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और हमने दोस्तों काफ़ी तरह की वीडियो बना रखी है, उनमें लाइव दिखा रखा है आपको कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये दिसंबर 2012 आ गया और फिर यहाँ पे मैं आगे दिखा देता हूँ, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड जून 2013 आ गया और मैं जैसे और पेज दिखा देता हूँ आपको, ये जून 2015 आ गया। इस तरीके से दोस्तों हमने जून 2019 तक के जो पेपर है वो इसमें इंक्लूड कर रखे हैं और 10 की 10 जो यूनिट है हमने वो बना रखी है। और आगे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको और यूनिट दिखाता हूँ, ये हमारी ये टीचिंग एप्टीट्यूड ही चल रही है दोस्तों। और अब देखिए, अब ये हमारी आगे रिसर्च एप्टीट्यूड आ गई दोस्तों। रुकिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये है रिसर्च एप्टीट्यूड दिसंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर आ गया। यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं और मैं अब आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारे इंग्लिश में क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं दोस्तों। इसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इसकी कुछ सामान्य कॉस्ट भी हो सकती है दोस्तों। आपको और भी यूनिट दिखा देते हैं दोस्तों, सभी की सभी हमने यूनिट इसके अंदर इंक्लूड की हुई है। और ये जो पीडीएफ है दोस्तों, करीब 325 पेज की ये पीडीएफ बनी है। आप चाहे तो इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये हमारा रिसर्च ही चल रहा है अभी तक। और अभी देखिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, ये अभी भी रिसर्च चल रहा है। और ये आ गया हमारा, ये आ गया, हाँ ये हमारा कम्युनिकेशन आ गया दोस्तों। ये देखिए, ये आ गया हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 10 की 10 यूनिट है वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड की हुई है।
तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि ये पीडीएफ आप सभी के पास होनी चाहिए ताकि आप कम समय में ज़्यादा अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें और जल्दी अपना नेट और जीआरएफ क्लियर कर सकें। दोस्तों अगर किसी को भी ये पीडीएफ लेनी है तो वो ये पीडीएफ ले सकते हैं, इसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, व्हाट्सअप पे हमें मैसेज कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, इस पीडीएफ की हमने कुछ सामान्य कॉस्ट भी रखी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।